आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से बी बी ए कर रही हूँ मैं क्वेश्चन ये है कि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपने स्किप कर दिया हो ना किया और फिर आपको रिग्रेट हुआ हो कि मुझे कर लेना चाहिए था मेरे साथ ये बहुत होता है कि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो मुझे छोड़ने पड़ते हैं मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता उनको छोड़ने का क्योंकि वो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं लेकिन मुझे छोड़ने पड़ते हैं क्योंकि मैं आ, अपनी वर्क लाइफ को बहुत पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी फैमिली लाइफ के साथ उसको बैलेंस करूँ तो फिर जब मुझे लगता है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो बहुत टाइम के लिए कराची से घर से दूर है विच मीनस कि मैं फिर अपनी बेटी से महीनों दूर रहूँगी तो फिर मैं वो नहीं करती तो ऐसे हैं बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं कोई प्रोजेक्ट के जो आपने किया और आपको रिग्रेट हुआ कि क्यों किया ये सच सच बता नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो प्रोजेक्ट्स करती हूँ मैं उनके बारे में बहुत खुश होती हूँ क्योंकि मैं उनको इसीलिए लेती हूँ क्योंकि उनके बारे में मुझे कुछ एक्साइटमेंट होती है अब वो एंड रिजल्ट क्या बन के आए अ, उस पर मैं इतना फर्स नहीं करती क्योंकि आई मीन बट कभी जी सेट एनवायरनमेंट की Set I've been on, uh, हमेशा बहुत प्यार मिला है हमेशा बहुत रिस्पेक्ट हमेशा बहुत अकोमोडेशन और बहुत अच्छे लोगों के साथ uh, काम करने को लिए माशा सबके बारे में अच्छा कहती है ऐसे अगर लोग पाकिस्तान में हो तो इस मुल्क में तो ये आ, 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 इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पीस पाकिस्तान बन जाए सही <laughs> बात है जरूरी है, है क्या बात है यार ये बड़ी बात है वैसे कि मैं मान ही नहीं सकता ये बात कितने साल का करियर हो और कोई सेट पे कभी कोई ऐसा ना मिलाओ लेकिन ये बड़ा पन्ना है एंड दिस इज समथिंग दैट यू ऑल शुड लर्न फ्रॉम यू नो जब लाइफ में आप एक चीज से मूव ऑन हो जाओ ना तब जस्ट अपने साथ ले जाओ, को पीछे छोड़ दो. Right yes. क्या बात है नेक्स्ट क्वेश्चन बिलाल क्या नाम है आपका <laughs> 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 बिलाल नाम है मोमिन भाई ठीक है yeah. मेरी जान, क्या करते मैं लॉ कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से सवाल लायो कोई जी रखो अपने पास <laughs> नेक्स्ट क्वेश्चन <laughs> नहीं नहीं पूछो <भुझो>, पूछो <laughs> क्या सवाल मेरा सायरा मैम के लिए सवाल है कि आपका तो मूवीज में एक्सपीरियंस है काफी तो अगर आप खुद से एक मूवी बनाएं और मोमिन भाई उसके हीरो यार मेरे से तो उसका, मत पूछा करो यार सवाल। उसका क्या जनरे होगा और उन, उनके लिए हीरोइन कौन सी सूट करेगी इनके साथ यार मुझे मुझे मैं लोगों को करते हैं। तुम लोग मुझे रहे कर <laughs> को कर लोग देते हो नहीं 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 किसी करना आई थिंक uh, yeah. okay. थोड़ी सी थोड़ा सा रोमैंस थोड़ा सा <laughs> और आपके opposite, अभी आपने मुझे हानिया का बोला तो मेरे माइंड में स्टक है hey. हाँ. मैंने हानिया के साथ काम किया और क्या yeah. तो स...

हमारी मेहरबानी <laughs> मैं ऐसा फ्यूचर नहीं जाता मैं जाना। बोलता ही ऐसे को लोग खुद ही समझ आई मैं क्या बोलना चाहता हूँ क्या बात है क्या बात है बड़े तुम माशाल्लाह प्यारे इंसान हो तो सवाल लाए हो सायरा जी जी बिल्कुल पूछो फिर मैम आपने पीएमए के लिए ना ट्रेनिंग की थी तो आपने उसके बाद कभी किसी को पकड़ कर मारा भी है या नहीं <laughs> मौका नहीं मिला <laughs> <laughs> अगर मिल जाए आज जरूर मारेंगे चले ठीक है मैं हाजिर हूँ माशाल्लाह

उसके साथ उसके साथ, उसके साथ कुछ डिसिप्लिन कुछ प्रैक्टिसेस उसके साथ मैं अपनी लाइफस्टाइल हेल्दी रखती हूँ मैं आ, वो चीजें नहीं करती जिससे एजिंग प्रोसेस जल्दी हो जाता है जैसे कि शुगर इनटेक कम है मेरी yes, यस शुगर इनटेक कम है पूरी कोशिश करती हूँ गुड़ खाऊं और रिफाइंड शुगर ना खाऊं गुड़ खाती right? हूं जी अच्छा नंबर 2 पूरी कोशिश करती हूँ

<laughs> आपको पता है ठीक <laughs> है मैं वैसे और मैं यूज करती हूँ सारे नेचुरल जैसे कि ऑर्गेनिक ऑयल्स कोकोनट ऑयल हो गया वाटरमेलन सीड ऑयल हो गया एंड उससे बस ये आप देख रहे हैं इसने मुझे, मुझे लगता है ये वो अपना गाड़ी के बॉबलाइज से ना लगाओ नंबर फोर नंबर फाइव गुड पॉजिटिव पीपल अराउंड यू सो आई वाज जस्ट गोना से इमोशनल गुड पॉजिटिव थॉट आपकी सोच विचार जो है वो आपके चेहरे पे रिफ्लेक्ट करते हैं पाँच हो गए जी। नंबर नंबर को ही चूज़ करते हैं। एक्सरसाइज? एक्सरसाइज डेफिनेटली, यस। रनिंग हो जाए या थोड़ा जिम चले जाए या जिस तरह की भी एक्सरसाइज ये सब इस सब से आप बहुत फिट और आपका जो एजिंग प्रोसेस है वो आप उसको बहुत डिले कर सकते हैं नंबर सेवन बी एक है और उसको मैं सवाल की सूरत में आपसे पूछूंगा इफ यू कम अक्रॉस नेगेटिविटी आप उससे किस तरह डील करती हैं एज अ पब्लिक फिगर यू आर ऑन सोशल मीडिया यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर व्हाट पीपल कैन जस्ट लोग जाके टाइप आपके बारे में कर दें लोग आपके बारे में कॉमेंट्स कर दें पब्लिक फिगर है इतना तो आई थिंक दिस इज द प्राइस वी पे फॉर पब्लिक फिगर्स हाउ डू डील विद एंड आई एम श्योर वो भी आपकी इसमें कॉन्ट्रीब्यूट uh, करता है लेकिन आपका वो उससे डील करने का तरीका क्या है क्योंकि आपकी जिंदगी में कोई भी इंस्पिरेशन होना फ्रॉम नेंसल मंडेला टू मार्टन लूथर किंग टू आपके माँ बाप

तो एक तो मैं ये करती हूँ कि मैं इग्नोर करती हूँ आई डोंट गो इन टू कॉमेंट हुट लेकिन अगर कुछ आ जाए सामने आपके तो आई ट्राई माई बेस्ट टू एम्पथाइज विद द पर्सन कि कोई ऐसी बात क्यों करेगा पब्लिकली चलो यार लाइक यू नो आई होप दिस पर्सन फील्स बेटर इनफ टू नॉट से समथिंग दिस रूड टू समबड़ी तो उनके लिए बस यही होता है कि यार उसकी जिंदगी के कोई मसले चल रहे होंगे हाँ, जिनकी वजह से उसने ये बोल दिया सी द वर्ल्ड थ्रू द आईज ऑफ अनदर पर्सन यस नंबर 8 हद कर दी पे गई आप जी आया ये उससे भी आपकी आ रहा है वेल नहीं उससे तो उससे तो फिर रिंकल्स आ जाएंगे ना हंस हंस के देखिए यार यहां पे मेरे हाथ पिघल गए यहां पे क्या बात है यार भरपूर तालियां